गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड अमेजिंग गाइज एपीएन सेटिंग बताने वाला हूँ। और ये एपीएन सेटिंग सारी सिम पर काम करने वाला है, तो आप लोग का कोई सा भी कंपनी का सिम कार्ड हो गाइज ये एपीएन सेटिंग सारी सिम पर काम करने वाला है। एंड गाइज ये मेरी 100% की गारंटी है कि अगर आप लोग इस एपीएन सेटिंग को अपने सिम पर कर लेते हैं तो आप लोग को काफी ज्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड देखने को मिल जाएगी इस एपीएन सेटिंग से। सो गाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, देखते रहिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक। एंड गाइज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ So, चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही कर लें बेल आइकन को ऑन, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जैसी वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। और हाँ, एक लाइक तो बनता है बॉस। सो हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी समीर उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग द इनसेन सैम यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज एपीएन सेटिंग एकदम सुपर अमेजिंग एंड फास्ट होने वाला है। सो गाइज एपीएन सेटिंग को करने के लिए आप लोग को अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है, और गाइज मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन में चले जाना है। फिर यहां से गाइज आप लोग अपना कोई सा भी सिम कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एपीएन सेटिंग सारे सिम पर काम करेगा। तो यहां से मैं अपना सिम कार्ड को सिलेक्ट करता हूं, फिर यहां पर एक्सेस पॉइंट नेम्स के ऊपर टैप कर देना है। फिर यहां पे गाइज आपको नीचे के साइड में एक न्यू एपीएन का ऑप्शन दिख जाएगा, जिस पे आपको सेलेक्ट करके एक फॉर्म आ जाएगा। तो फॉर्म में गाइज कैसा क्या भरना है मैं आप लोग को बताने वाला हूं। सो यहां पे सबसे पहले आपको नेम वाले सेक्शन में आ जाना है, और गाइज आपको नेम वाले सेक्शन में आके लिखना है ग्लोबल नेट 4G। सो गाइज आपको सेम टू सेम यही लिख लेना है ग्लोबल नेट 4G, और ग्लोबल का गाइज जो जी रहेगा वो कैपिटल, और NET नेट जो रहेगा वो पूरा स्मॉल लेटर, फिर 4G का जो जी रहेगा वो कैपिटल रहेगा। फिर यहां पे गाइज आपको एपीएन में आ जाना, और एपीएन में आपको गाइज लिख लेना है ग्लोबल, और गाइज एपीएन में जो आप ग्लोबल लिखेंगे उसका भी जो जी रहेगा वो कैपिटल रहेगा। फिर गाइज इसको भी आपको एकदम सेम टू सेम ऐसा ही लिख लेना है, और इसको भी आपको ओके करना है। फिर यहां पे गाइज आपको प्रॉक्सी को नॉट सेट, और यहां पे आपको उसके नीचे पोर्ट को भी नॉट सेट। फिर यहां पे गाइज आपको एक यूजर नेम का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें आपको आना है, और गाइज यूजर नेम में आपको क्या लिखना है तो मैं बता देता हूं। तो गाइज यहां पे आपको लिख लेना है ग्लोबल प्राइम 4G, सेम टू सेम गाइज जैसा कि मैंने बताया, पूरा का पूरा गाइज आपको स्मॉल लेटर में यहां लिखना है ग्लोबल प्राइम 4G, और वो भी गाइज विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया यहां पे यूजर नेम, अब इसको आपको सेव करना है। फिर यहां पे पासवर्ड को भी नॉट सेट, तो गाइज आपको आ जाना है सर्वर वाले ऑप्शन पे, और सर्वर में गाइज आपको यहाँ पे लिख लेना है पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में www.google.com, और गाइज प्लीज आप लोग पूरा स्मॉल लेटर में लिखिएगा, और कोई भी आपको स्पेस नहीं देना है www.google.com। सो गाइज ये हो गया हमारा सर्वर, और सर्वर को भी गाइज आपको यहाँ पे ओके करके सेव कर लेना है, तो ये सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे गाइज आपको सर्वर के नीचे और भी कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि MMSC इसको नॉट सेट, MMS प्रॉक्सी को भी नॉट सेट, MMS पोर्ट को भी नॉट सेट, और गाइज आप लोगों को MCC और MNC वाला जो ऑप्शन है इसको एकदम भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये आपका एरिया का कोड होता है। अब यहाँ पे गाइज आपको ऑथेंटिकेशन टाइप में पैप और चैप का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको टैप कर देना है, और यहाँ पे गाइज आपको एक और ऑप्शन दिखेगा एपीएन टाइप का, जिस पे आपको आना है, और यहाँ पे गाइज आपको टाइप करना है डिफॉल्ट कॉमा SUPL। गाइज सेम टू सेम आपको यही लिखना है डिफॉल्ट कॉमा SUPL, तो आप लोग प्लीज ध्यान से देख लीजिए। और ये भी गाइज पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में रहेगा, और यहाँ पे आपको कोई भी गाइज यहाँ पे स्पेस आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पे गाइज ये भी हो चुका है एपीएन टाइप। अब इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एपीएन प्रोटोकॉल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को IPv4/IPv6 के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे गाइज आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में, जिसमें भी आपको IPv4/IPv6 ही सेलेक्ट कर लेना है। तब यहाँ पे गाइज आपको नीचे के साइड में जाएंगे तो एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बेरर। सो गाइज बेरर में अब आके आपके फोन में यहाँ पे डिफॉल्टली अनस्पेसिफाइड का जो बेरर होता है वो सेलेक्ट होता है, बट यहाँ पे गाइज आपको अनस्पेसिफाइड को अनटिक करके यहाँ पे आपको टिक करना है LTE HSPA HSPA HSUPA UMTS EDG GPRS और 1XRTT। गाइज इतने बेरर को आपको सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और गाइज बहुत सारे डिवाइसेस में एक से ज़्यादा बेरर सेलेक्ट हो ही नहीं पाते। सो गाइज अगर आपका ही फ़ोन वैसा है कि अगर आपके फ़ोन में एक से ज़्यादा बेरर सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे सिर्फ LTE को ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को तब भी इंटरनेट स्पीड फास्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइज हमारा बेरर भी हो चुका है, आपको इसको ओके कर लेना है। और यहाँ पे गाइज आपको ये जो नीचे के साइड में MVNO टाइप दिख रहा है, इस पर आपको नन नॉट सेट नॉन जो भी है आपके फ़ोन में वैसा ही रहने देना है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। फिर यहाँ पे गाइज हमारा एपीएन सेटिंग जो रेडी हो चुका है, फिर यहाँ पे आपको मोर का बटन पे क्लिक कर लेना है, और मोर के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आपको सिंपली से सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, और ये एपीएन सेटिंग को गाइज आपको टैप कर देना है ऊपर के साइड में ग्लोबल नेट 4G। और गाइज एकदम ग्लोबल है, काफी ज्यादा फास्ट एपीएन सेटिंग से आपको इंटरनेट स्पीड देखने को मिल जाएगी। और गाइज यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करने के बाद अपने फोन को गाइज एक बार जोर से रिस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग फोन को रिस्टार्ट नहीं करते तो
आपका जो यहाँ पे एपीएन सेटिंग है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, तो प्लीज आप लोग यहाँ पे ये जो एपीएन सेटिंग है उसको रिस्टार्ट जोर से कर लीजिएगा, फोन को अपने रिस्टार्ट कर लीजिएगा एपीएन सेटिंग को करने के बाद। और गाइज आप लोग को जो इंटरनेट स्पीड मिलने वाली है वो एकदम माइंड ब्लोइंग गाइज मिलने वाली है, काफी ज्यादा आप लोग को फास्ट इंटरनेट स्पीड मिल जाएगा इस एपीएन सेटिंग से। अगर आप लोग इसको रिस्टार्ट कर लेते हो, इस एपीएन सेटिंग को अच्छे से कर लेते हैं, तो आप लोग को काफी ज्यादा गाइज माइंड ब्लोइंग एंड फास्ट इंटरनेट स्पीड देखने को मिल जाएगी। सो गाइज आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। गाइज वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस, एंड अगर आपने हमारे चैनल को गाइज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप लोग जोर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत लोग आते हैं वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो गाइज आप लोग चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइज अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है सो गाइज बिहाइंड द सीन्स के लिए हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम वहां पर अपने वीडियोस की बिहाइंड द सीन्स अपलोड करते रहते हैं, साथ ही साथ स्टोरीज भी डालते रहते हैं, और गाइज आपको वहां पे अपडेट देते रहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आने वाली है, और बिहाइंड द सीन्स डालते रहते हैं। सो गाइज मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, गुड बाय।